बीजेपी ने जारी की बहत्तर उम्मीदवारों की सूची, 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्याशी शामिल। नागपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे नितिन गडकरी, पहली सूची में नाम न होने पर विपक्ष ने साधा था निशाना। लोकसभा का टिकट मिलने के बाद दिल्ली से नागपुर पहुंचे गडकरी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। हिमाचल के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर होंगे उम्मीदवार, ट्वीट करके पीएम, गृहमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। गढ़वाल सीट से लड़ेंगे अनिल बलूनी, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट। करनाल से हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर होंगे उम्मीदवार, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह को टिकट। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया को मेरा टिकट, महाराष्ट्र के बीड से पंकज अमुंडे उम्मीदवार। मुंबई उत्तर से लड़ेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, बेंगलुरु साउथ से तेजस्वी सूर्य की उम्मीदवारी। छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने नकुल नाथ के खिलाफ अब विवेक साहू को उतारने की तैयारी की, कर्नाटक के हवेली से पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई को टिकट। गुजरात से 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, 5 सीटों पर बदले गए चेहरे। बिहार में 5 सीटों पर लड़ सकते चिराग पासवान की, पार्टी सूत्रों के मुताबिक चाचा पशुपति पारस को नहीं मिली एक भी सीट। दिल्ली बीजेपी नड्डा से मिले चिराग पासवान, कहा कि गठबंधन फाइनल सही वक्त पर दूंगा पूरी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस को मिला राज्यपाल या फिर राज्यसभा भेजने का ऑफर, समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज को बिहार में मंत्री बनाया जा सकता। यूपी के लिए जारी होने वाली कांग्रेस की लिस्ट में शामिल हो सकता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम, स्क्रीनिंग कमेटी में भेजा जा सकता है दोनों के नामों का प्रस्ताव। महाराष्ट्र के मालेगांव पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लोगों को क्या संबोधन। आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयुक्तों के खाली पद भरने के लिए प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंग, पीएम करेंगे अध्यक्षता। जम्मू में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जम्मू कश्मीर में हम लोकसभा चुनाव करने के लिए पूरी तरह से तैयार। 24 के लिए असेंबली इलेक्शंस के लिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए देश में जहां जहां बुक्ड हैं, 24 में काफी सारे हैं, उन सब के लिए हम तैयार हैं। मथुरा केस, श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले पर 20 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच कर रही सुनवाई। महाराष्ट्र के अहमदनगर का शहर बदलकर अब अहिल्या नगर होगा, शिंदे कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। सीए के तहत भारतीय नागरिकता के आवेदकों की सहायता के लिए जल्द ही शुरू होगा हेल्पलाइन नंबर, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक निःशुल्क कॉल की सुविधा। सीएए को लेकर सीएम केजरीवाल का विवादित बयान, कहा पाकिस्तान से आने वाले लोग चोरी बलात्कार दंगे फैलाएंगे, पता नहीं वो लोग कैसे कैसे होंगे। केजरीवाल के बयान को रविशंकर प्रसाद ने कहा तर्कहीन, कहा कि यह नागरिकता छीनने का नहीं देने का कानून। ममता बनर्जी का सीएए पर नया बयान, कहा कि यह लोगों के साथ धोखा है, बंगाल में इसे लागू नहीं होने देंगे। सीएए को ओवैसी ने बताया संविधान के खिलाफ, ट्वीट में लिखा कि धर्म के आधार पर आप कानून नहीं बना सकते। आसेरी के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत, एमएसपी पर कानूनी गारंटी समेत कई मांगों पर अड़े हैं किसान। दिल्ली के बंगला साहिब में किसानों ने ठिकाना बनाया है महापंचायत के लिए, अमृतसर से ट्रेन से दिल्ली पहुंच रहे हैं किसान। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एकजुट हुए किसान, पंजाब और हरियाणा के रहने वाले किसान दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं। दिल्ली कूच को तैयार किसानों ने, संगरूर के खनौरी बॉर्डर पर उनको रोका गया, 13 फरवरी से डटे किसानों ने नहीं बदला बंद, अब महापंचायत के मूड में। पंजाब सीमा के भीतर रोके गए किसानों ने जरूरत के हिसाब से ट्रैक्टर्स का बदला मॉडल, हाईवे किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली जरूरत के हिसाब की बनाई गई। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को झटका, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के सामने कई नेताओं समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए मान सरकार की तैयारी, लुधियाना में सीएम भगवंत मान ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने दरभंगा में श्री सीताराम दुल्हा दुल्हन मंदिर में पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में उद्धव ठाकरे की जनसंवाद यात्रा, नरसिंह सरस्वती महाराज के दर्शन किए। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में लॉन्च की कला लाकू रिक्कालू स्कीम, कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण में सहयोगी होगा। जेल में बस्तर फिल्म की स्क्रीनिंग, 15 मार्च को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। पूर्वी चंपारण में बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह ने चरखा पार का उद्घाटन किया, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने पूरे परिवार के साथ देखी आर्टिकल 370, कहा कि फिल्म सबको देखनी चाहिए। चुरू के ई मित्र संचालक बाल किशन ने पेशी की
पेश की। ईमानदारी की एक मिसाल एटीएम मशीन से के ऊपर रखे 10 लाख रुपए कैश मिलने पर पीएनबी बैंक के मैनेजर को जानकारी दी। फैशन डिजाइनर राजेश प्रताप की अनोखी मार्केटिंग एक स्टंट। लैक्मे फैशन वीक के पहले दिन पोलो खेल के जरिए पोलो टी शर्ट ब्रांड का प्रमोशन किया। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के असर, दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के 2 कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे पीएम। शाम 5 बजे देशभर में 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन बांटेंगे पीएम। पीएम स्वनिधि योजना के तहत वंचित वर्गों को बांटा जाएगा लोन। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में हुआ एक भीषण हादसा, अनियंत्रित होकर कार ने करीब 10 लोगों को टक्कर मारी। भीड़ ने आरोपी को मौके पर पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की गई, बाद में कैब को भी पूरी तरह तोड़ दिया गया। बिहार के समरसा में 2 दिन के कोसी महोत्सव की शुरुआत, स्थानीय बीजेपी विधायक और कमिश्नर ने दिया जलाकर शुरुआत की। दिल्ली में गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा की शादी का वीडियो सामने आया। समारोह में मौजूद थे अत्याधुनिक हथियारों से लैस 500 जवान। हैदराबाद में एक अस्पताल में 60 साल के एक मरीज की किडनी से 418 स्टोन निकाले गए, सिर्फ 27% हिस्सा ही कर रहा था। बिहार के बंगा में शिक्षक पर अपनी ही एक नाबालिग छात्रा के अपहरण का आरोप लगा है। 6 मार्च को घर से कोचिंग पढ़ने के लिए निकली छात्रा अब तक गायब। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन विधि ने जंगली सुअर का शिकार किया, सैलानियों ने कैमरे में कैद की घटना। इंदौर के मशहूर कर्णावत रेस्टोरेंट और पान सदन पर जीएसटी की बड़ी कार्रवाई, एक साथ 28 ठिकानों पर छापे मारे। एमपी के बना में हीरे की खदान खोदने वाले आदिवासियों के साथ मारपीट, पुलिस और वन विभाग की टीम ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यूपी के सोनभद्र में वार्ड नंबर 1 में मिला महिला का शव, गला घोटकर हत्या की आशंका। महाराष्ट्र के लातूर में किसानों ने कलेक्टर ऑफिस के सामने आत्मदाह की कोशिश की, प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। पंजाब के बरनाला में पत्नी और ससुराल से तंग आकर शख्स ने खुदकुशी कर ली, मौत से पहले वीडियो भी बना। यूपी के बस्ती में घूंघट की आड़ में ज्वेलरी की दुकान में महिला चोर ने उड़ाए सोने के झुमके। मारामार से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हड़ताल पर। एमपी के छतरपुर में एक दीवर ने भाभी को शादी में दिया देसी तमंचे का तोहफा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुजरात के स्कूलों में पान मसाला सिगरेट का सेवन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश, शिक्षा विभाग की सख्ती। मुजफ्फरपुर में रामपुर हरी के पास में बारातियों से भरे हुए स्कॉर्पियो और ट्रक में सीधी टक्कर, स्कॉर्पियो सवार 5 लोगों की मौत, 3 घायल। मुजफ्फरपुर हादसे में सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख, घायलों को सही इलाज के निर्देश दिए। टाटानगर रेलवे स्टेशन से टकलू लोहार हत्याकांड के मुख्य आरोपी समेत 2 लोग गिरफ्तार। पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब की आधारशिला रखी, भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाकर चीन को झटका देने की तैयारी। फरवरी में खुदरा महंगाई दर कम होकर 5.09% पर पहुंची, खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर में भी आई तेजी। पेटीएम को जल्द ही मिल सकता है थर्ड पार्टी ऐप लाइसेंस, एनपीसीआई 15 मार्च तक पेटीएम को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस की मंजूरी दे सकता है। 15 मार्च के बाद से टॉपअप नहीं होगा पेटीएम फास्टैग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी की 39 बैंकों की नई सूची। अडानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट के बाद 100 अरब डॉलर क्लब के बाहर हुए गौतम अडानी, नेटवर्थ में कमी आई।